Hello students, let's see this question. The question says naphthalene can be purified by char options hai, sublimation, crystallization, distillation ya fir vaporization. So naphthalene hamara ek aisa substance hota hai, ek aisa solid hota hai, jiski characteristic kya hai ki ye apne solid phase se directly kis mein ja sakta hai, naphthalene ke vapor phase mein ja sakta hai. NaPH ya pH karna, theek hai, PHALEN. So, ये अपने डायरेक्टली किस में जा सकता है, वेपर फेज में जा सकता है विदाउट गोइंग इन टू द लिक्विड फोर्स फेज. एक ऑर्डर होता है ना फेजेस में कन्वर्जन का, इंटर कन्वर्जन का, कि सॉलिड के बाद लिक्विड फेज आता है, लिक्विड फेज के बाद फिर आप फर्दर उसे हीट करते हो तो वेपर फेज आता है. बट नैफ्थलीन एक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप इसे हीट भी करोगे ना, थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर में, ज्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर भी दोगे ना, तो ये डायरेक्टली वेपर फेज में चले जाएगा विदाउट गोइंग इन टू लिक्विड फेज. और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सब्लिमेशन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन सो अगर ये नैफ्थलीन किसी और सब्सटेंस के साथ प्रेजेंट है, लेट्स से किसी और सॉलिड के साथ प्रेजेंट है, तो आप सिंपली सब्लिमेशन का प्रोसेस कर दो, ठीक है, हीट कर दो उस मिक्सचर को, तो वहां से नैफ्थलीन क्या होगा, वेपर फॉर्म में ऊपर निकल जाएगा और उसे आप कंडेंस कर लो, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो. यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है ना, तो अगर नैफ्थलीन के अंदर कोई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो वहां से उस इम्प्यूरिटी को पीछे छोड़ा जा सकता है और नैफ्थलीन को पहले निकाला जा सकता है, ठीक है. सो रेस्ट ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके, इनकरेक्ट हो जाते हैं. अब अगर समझना है तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन भी एक ऐसी टेक्निक होती है जो जनरली आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ और सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है. इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्यूरिटीज इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है. तो इस टेक्निक पर ये बेस्ड होती है, इस प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड होती है. उसके बाद है आपका डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड टू सेपरेट वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज, ठीक है, एंड लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट. ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है डिस्टिलेशन के लिए, कि आपके दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो दो लिक्विड्स कैसे हैं कि जो आपका लिक्विड है वो वॉलेटाइल है और आपकी जो इंप्यूरिटी है वो नॉन वॉलेटाइल है, और उन दोनों लिक्विड्स के बीच में सफिशियंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, तब जाके आप डिस्टिलेशन लगा सकते हो. और वेपराइजेशन क्या होती है, सिंपली किसी भी लिक्विड को वेपर फेज में लेके आना. तो यानी कि जब अगर मिक्सचर प्रेजेंट है तो उसमें एक सब्सटेंस तो ऐसा होगा जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर फटाफट से वेपराइज हो जाएगा और दूसरा नहीं होता होगा, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.